हेलो व्यूअर्स, दिस इज सुशांत एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज ऑसम। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको जो रेडीमेड फूल मिलते हैं ना घर के, जो छत पे लगाते हैं, एक्चुअली जो फैन रहता है, फैन को जो सीलिंग में जिप्सम से बनाया हुआ राउंड रेडीमेड मिलते हैं ना फ्लावर के फूल, जैसा आप देख सकते हैं इधर एग्जाम्पल ऊपर, तो उसके बारे में डिटेल प्लस है सीलिंग का ये जो पट्टी है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, प्लस इधर बॉर्डर पट्टी है ना। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को लाइफ इज़ ऑसम को, और यहाँ वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको विद प्राइस के साथ डिटेल बता दूँगा पूरे जितना भी यहाँ पे फिलहाल इस शॉप में मटेरियल एंड एड्रेस भी बता देता हूँ इस शॉप का। अगर आप चाहे तो, अगर आप बिलोंग करते हैं कर्नाटक स्टेट बीदर सिटी से, तो यहाँ पर आके आप परचेज भी कर सकते हैं। तो शॉप का एड्रेस है जस्ट अपोजिट टू सेंट्रल बस स्टैंड, जहाँ पे सेंट्रल बस स्टैंड है उसका सेम अपोजिट रोड पे, यहाँ पे जिप्रॉक सेंट ग्लोबिन का सीलिंग और ड्राई वॉल्स प्लास्टर्स जेके ट्रेडर्स के पास। और ये थोड़े एग्जांपल्स है डिज़ाइंस, और इसका प्राइस भी बता दूँगा। तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है हनुमंत एंड इन्हों करीब 8 साल से एक्सपीरियंस है इस वर्क के अंदर, खुद ही इन्हों वर्क करते हैं एंड डिज़ाइन इन्हीं से बनाया हुआ है। और सामने देख सकते हैं आप वहाँ पर, वो है बॉर्डर पट्टी। तो एक एक फ़िलहाल सभी डिज़ाइन का एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और उसका प्राइस भी बता दिया। तो देखिए दोस्त सर, हाँ। यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं इधर, ये फर्स्ट इसका प्राइस बता दीजिए और किस तरह का क्वालिटी मटेरियल आप यूज़ कर सकते करते हैं। ये कंपनी से आते हैं, उसको फिटिंग कर सकते हैं। ओके, एंड क्या प्राइस में है वो बॉर्डर पट्टी? प्राइस कितना रुपये में? ये 28 रुपये फिट। तो इसका मतलब है रनिंग फिट में मिलता है कैसा? रनिंग फिट में मिलता है। रनिंग फिट में। तो सभी डिज़ाइन का सेम वही रेट रहता है या फिर अलग अलग? एक ही रेट। ओके, सो ये डिज़ाइंस बॉर्डर पट्टी आप बोल सकते हैं हिंदी में, एंड सभी प्राइस एक ही है, 28 रुपीज़ रनिंग फिट। मतलब देखिए दोस्तों, इसका लेंथ है, अगर इसका लेंथ है एक 5 फिट, तो 5 × 28 रुपीज़ करना चाहिए, तो वो रनिंग लेंथ। अभी डिज़ाइन देख लीजिए सभी का। यहाँ पे आपके सामने फ़िलहाल 6 डिज़ाइंस हैं, सभी का प्राइस 28 रुपीज़ पर फिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फिट हो गया। तो इसी तरह से स्टेप बाई स्टेप 4 फिट का है, सो 4 × 28, सो अराउंड 120 रुपीज़ प्लस विद फिटिंग के साथ है 28 रुपीज़। हाँ, तो विद फिटिंग के साथ उन्हों आपको लगा के देते हैं आपके घर पे, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं उस इंक्लूडेड वर्कर चार्ज, फिटिंग चार्ज। ओके, बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोड़ के आना नहीं होता दुकान को। हाँ, हमको आगे बढ़ाओ तो हम भी बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लगा दी भी समझ लीजिए, जैसा इसका पोजीशन है वो कोने पे लगा देते हैं बॉर्डर पट्टी, और इसका मेंटेनेंस किस तरह से करना चाहिए? ओके, कोने पे बैठ जाता है उस तरह से। हाँ, ओके, एंड अभी हम उनसे पूछ लेते हैं उसका मेंटेनेंस के बारे में पूछ लेते हैं। लेट्स सी, इसका मेंटेनेंस क्या है? जब तक आप पानी नहीं लगेगा ना इसको, इसको कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। पानी अगर लग गया तो इसको निकल जाता है बाहर, पानी नहीं लगा तो सेफ रहता है। मगर तो आपका कहना यही है कि छत से पानी निकलना नहीं रहना चाहिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। पानी अगर लगा ना इसको, सीलिंग भी जो करते वो भी निकलती है, ये भी निकल जाता है पानी अगर लगा तो। पानी नहीं लगा तो साल 10 साल 15 साल बिल्कुल ऐसे रहता है ऊपर। नॉर्मली कहाँ कहाँ पे लगाते थे, लाइक हॉल, सीलिंग, बेडरूम, किचन में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगा सकते हैं किचन, बेडरूम, पूजा रूम, हर जगह लगा सकते हैं आपको जहाँ मन चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं। दीवार के ऊपर आता है सराउंड,
अगर आप देखिए पार्किंग एरिया रहता है घर पे, तो स्टार्टिंग एंट्रेंस पे हम लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं, पार्किंग पे ऐसा राउंड बॉर्डर लगा के सेंटर में ऐसा फूल भी लगा सकते हैं। इधर बताइए, फूल भी लगा सकते हैं सब बीच में, पार्किंग साइड भी। ओके, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe my channel for more videos related to house construction related knowledge. Thank you, have a great day.